क्षेत्र पुलिस ने शातिर साइबर ठग को किया काबू। उपभोक्ता के खाते से मिनटों में 3.5 लाख रुपए उड़ाए। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी। कुरुक्षेत्र पुलिस के हत्थे चढ़े इस शातिर अपराधी की मासूमियत पर मत जाइए। यह मिनटों में फोन या पे या अन्य ऑनलाइन माध्यम से लोगों को लिंक भेजकर उनके खाते से 1000 लाख रुपए साफ कर देता। साइबर ठग ने क्षेत्र के एक व्यक्ति उसके खाते से मिनटों सेकंडों में 3.5 लाख रुपए गायब कर दिए थे। इस कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविंदर तोमर ने मामले की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श थाना कुरुक्षेत्र में एक उपभोक्ता ने ऑनलाइन 3.5 लाख ठगी का मामला दर्ज कराया था, जिसकी पड़ताल करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि इसके अन्य साथी फरार हैं, जिसकी तलाश जारी है। उन्होंने लोगों से सचेत रहने की सलाह दी। ये आदर्श थाना के यूके का मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें ऑनलाइन ठगी की थी, उससे 3.5 लाख रुपए उसके ऑनलाइन जो है ट्रांसफर हो गए थे पैसे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान साइबर सेल ने और हमारी CIA टीम दोनों ने मेहनत करके एक आदमी गिरफ्तार किया है। उसके बाकी साथी अभी फरार हैं। 3 दिन के रिमांड के बावजूद आज उसको जुडिशियल भेजा गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि लोग इस बात से सचेत रहें, अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर ना करें। कोई OTP नंबर मांगता है या कोई लिंक पे आपको क्लिक करने के लिए बोलता है, उसके बाद उसका कोड पूछता है, इस तरह की चीजों से बचें। अपने कोई भी पर्सनल जानकारी फोन पे लिंक पे या किसी से शेयर ना करें। सर, इसमें तफ्तीश में और भी खुलासा होने की संभावना है? हाँ, इसमें राजस्थान से कुछ और लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, वो भी जल्दी पकड़ लिए जाएंगे। और फोन पे से नंबर चेक करते हैं, नंबर चेक करने के बाद में आपका नाम आएगा, नाम आने के बाद में हम आप उसके पास कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद में बोलते हैं आपका ये नाम है क्यों के? हाँ, तो आप फोन पे चला रहे हैं तो आपके पास देखो एक मैं इधर से एक वेब शॉप को भेजता हूँ, सो एनी डैश डाउनलोडिंग करो। एनी डैश डाउनलोडिंग करने के बाद में आपके पास में इधर से एक लिंक जाएगा, लिंक दबाने के बाद में वो आपसे उधर से फोन पे से पिन नंबर लगाओ, पिन नंबर लगाने के बाद में आपका पैसा खाते में जाएगा। तो आप नंबर कैसे लेते हो आम जनता की, कहाँ से आपको? फोन पे से चेक कर लेते हैं, उसको फोन पे होता है ना, फोन पे से चेक करते हैं। नहीं, नंबर होते हैं आप जनता के, किसी का भी ले लो, फोन पे से चेक होता है, किसी का भी, किसी का भी आ सकता है सर उसमें। तो आपको ये पता होता है कि इस पे खाता नंबर, ये नंबर खाते पे है? होता नहीं है, उसे पता, वो खुद ही बताता है। अच्छा, तो कितनी ठगियां करी होगी आज सर? मैंने तो गाड़ी चलाता हूँ सर, ठगी वाले 2 बंदे और हैं, और मैं खुद उसके साथ, मेरे को पैसे देते थे 1000, 2000, 3000। नहीं, अभी तो आपने बताया कि ऐसे ऐसे हम ठगी करते हैं। ऐसे में उनके साथ में सर मैं गाड़ी चलाता हूँ, रूम पे आते हैं, मेरे को इसको मुझे पता होगा। तो लगभग कितने के लोगों की करती होगी कुछ सर? उसमें कम से कम कर रहे होंगे 6-7 महीने से कर रहे होंगे। तो आपको पछतावा है, आप पुलिस ने पकड़ा? हाँ जी सर, पछतावा गाड़ी है और खाई का और जैसे काम आ गया। सभी लोग यही काम करते हैं? हाँ जी सर। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, भरतपुर जिला का गांव पीपल सर। तो ये कितने के लोग ठगी करते होंगे? सारे गांव में ऐसे काम करते हैं? सारे करते हैं सर।